मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगापुर ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल्स की। जी हाँ, जिसमें हमें काफी सारे इंडियन शटलर्स खेलते हुए नजर आए और काफी बेहतरीन प्रदर्शन हमें उनकी तरफ से देखने को मिला, जिसके साथ टोटल 4 शटलर्स ने क्वार्टर फाइनल्स के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली है। तो चलिए फिर शुरुआत हम करते हैं विमेन सिंगल से, जिसमें हमें 3 इंडियन शटलर्स देखने को मिली और उसमें से 2 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। पीवी सिंधु से शुरुआत की जाए, जिनका आज का मुकाबला था वियतनाम की शटलर के अगेंस्ट और उन्होंने इस मुकाबले को 3 सेट में जाकर अपने नाम किया। जी हाँ, पीवी ने अपना मुकाबला 19-21, 21-19, 21-18 से जीतते हुए क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल्स में कल के दिन सिंधु आप सभी को खेलती हुई नजर आएगी चाइनीज शटलर हान यू के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइना नेहवाल की। जी हाँ, साइना नेहवाल इज बैक विद अ बैंग। आज उनका मुकाबला था वर्ल्ड नंबर 9 चाइनीज शटलर हेबिंग जियाओ के अगेंस्ट, जो कि इस टूर्नामेंट में अभी 5th सीड है और काफी ही धमाकेदार ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस हमें साइना की तरफ से देखने को मिली, जिसके साथ उन्होंने अपना आज का मुकाबला जीतते हुए क्वार्टर्स में जगह बनाई। साइना ने अपना जो मैच रहा वो 21-19, 11-21, 21-17 से जीत लिया और क्वार्टर फाइनल्स में वो जा चुकी है। साथ ही एक फैक्ट अगर हम आपको बताएं तो साइना नेहवाल 15 महीनों के बाद अपना क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची है, अपने पहले क्वार्टर्स में पहुंची है आफ्टर 15 मंथ्स। तो हम कल की बात करते हैं, तो कल क्वार्टर्स में उनका मुकाबला होने वाला है जापनी शटलर आया ओहोरी के अगेंस्ट। तो हम उम्मीद करेंगे कि कल का मुकाबला भी वो जीतने में कामयाब रहे। आगे हमें यंगस्टर अश्मिता चलिया भी एक्शन में देखने को मिली, जिन्हें अपना मुकाबला स्ट्रेट सेट्स में ही गंवाना पड़ा। वहीं मेन सिंगल्स की बात करते हैं, जहां पर हमें HS प्रणॉय खेलते हुए नजर आए चाइनीज ताइपे के शटलर चो तियन चेन के खिलाफ और काफी ही ब्रिलियंट प्ले हमें देखने को मिला फ्रॉम HS प्रणॉय। 3 सेट तक चले इस मुकाबले में आखिर का जीत प्रणॉय ने अपने नाम करी। जी हाँ, पहला सेट उन्होंने गवा दिया था 14-21 से, लेकिन उनकी तरफ से उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक हमें देखने को मिला। उन्होंने बाकी 2 सेट्स 22-20, 21-18 से जीत लिए। अब कल के दिन प्रणॉय का मैच रहने वाला है जापनीज शटलर कोडाई नराओका से। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा मिथुन मंजुनाथ भी हमें नजर आए, जिनका आयरलैंड के शटलर के खिलाफ मैच था लेकिन उन्हें वो मुकाबला गंवाना पड़ा और वो यहीं से ही बाहर हो गए। मेंस डबल्स के अंदर हमें MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी खेलती हुई नजर आई मलेशियन पेयर के अगेंस्ट, जो कि इस टूर्नामेंट में 6th सीड थे और MR अर्जुन और ध्रुव ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है। क्वार्टर्स में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। उन्होंने अपना मैच 18-21, 24-22, 21-18 से जीत लिया और कल उनका मैच रहने वाला है इंडोनेशियन पेयर एहसान और सातियावान के अगेंस्ट, जो कि इस टूर्नामेंट के 2nd सीड है। वहीं विमेन्स डबल्स और एक मिक्स डबल्स के मैच भी हमें देखने को मिला, जिसमें यंगस्टर्स हमें देखने को मिले लेकिन उन्हें अपने अपने मैच गंवाने पड़े। अब कल के दिन रहने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स और 4 मुकाबलों में आपको भारत कम्पीट करता हुआ नजर आएगा फॉर सेमीफाइनल स्पॉट, और हम उम्मीद करेंगे कि चारों के चारों हमें सेमीफाइनल्स में जाते हुए नजर आए और बाकी आप लाइव मैचेस एंजॉय कर सकते हैं वूट ऐप पर और साथ ही साथ स्पोर्ट्स 18 टीवी चैनल पर। तो होपफुली इंडियन प्लेयर्स विल गिव देयर बेस्ट इन टुमारोज मैच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोज और कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।